नमस्कार, मैं हूं नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव में। पेश है आज की खास खबर। किन मांगों को लेकर यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती का। 3 साल हो गए उसके वो आए हुए भर्ती को, 1.5 साल हो गए उसका अंतिम परिणाम आए हुए, लेकिन अभी तक उसको नियुक्ति नहीं मिली। 3 साल से हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 1.5 साल हो गया हमारा अंतिम परिणाम आए हुए, उसके बाद सिर्फ नियुक्ति देनी थी, लेकिन अभी तक नियुक्ति सरकार ने दी नहीं है। सरकार उसको जांच के नाम पे टालती जा रही है। सिर्फ 3 साल से हम लोग मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। आज हम लोग उन्हीं मांगों को लेकर यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। अभी तक आपकी किससे मुलाकात हुई है? हमारी किसी से मुलाकात नहीं, हम यहाँ पे आए हैं, हम धरना प्रदर्शन के लिए आए थे, तभी यहाँ पे हमको रोक लिया, पुलिस वालों ने रोक लिया। मुख्यमंत्री आवास के सामने हम लोग आए थे धरना प्रदर्शन करें। मुख्यमंत्री से अपनी मांगे रखने के लिए आए थे, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। मुख्यमंत्री से हम गुहार लगाने आए थे, हमारी बात सुनिए आप। कोई रणनीति रहेगी? अभी हम लोग यहीं पे बैठेंगे जब तक हम लोग हटा, अगर हम लोग हटा देंगे हम लोग इको गार्डन में बैठेंगे जाके। अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग आए हैं। अब हम लोग घर में रुक नहीं सकते हैं, हमारी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, हम रुक नहीं सकते। 3 साल हो गए, आप बताइए किसी भर्ती को 3 साल से रोका गया? 3 साल हो गए।